Hello learners, welcome to eVidya classes. Myself, Raj Mohan Pandey, SEO Physics, and NIOS. Today, we will start our a new chapter of Senior Secondary Physics, chapter number 11 Thermodynamics. Thermodynamics Usma Gatiki, Adiabatic Process, Rudrod Prakram, a thermodynamic process in which no exchange of thermal energy occurs in एन एडेविटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी भी निकाय के द्वारा आपस में किसी भी एनर्जी का स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं होता कोई भी दो बॉडीज के साथ हीट का संबंध नहीं रहता तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है जो दाब है वो नियत रहता है आइसोबेरिक ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट अकर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमोस्फिक प्रेशर इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस कि पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब में तो वो आइसोबेरिक दाबीय प्रक्रम को व्यक्त करता है आइसोक्रोनिक प्रोसेस ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट अकर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आइसोक्रोनिक सम आयतनिक यहां पर कुछ जो आयतन है वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट रहता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम सराउंडिंग्स एंड अदर यूजफुल टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर इनको जानने के बाद हम थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ जिसे जीरो लॉ के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में देखते इस लॉ पे इफ टू बॉडीज और सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्वेरियम विथ ए थर्ड बॉडी सी देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्वेरियम विथ ईच अदर यदि हमारे पास तीन निकाय हैं ए बी सी और उनमें से कोई दो जैसे ए थर्मल इक्वेरियम पे है बी के साथ मींस टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू सी बी का जो टेम्परेचर है वो सी के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू जीरो ऑफ लॉ जीरो ऑथ लॉ के नियम के अनुसार जो ए है वो सी के टेम्परेचर के बराबर होगा दोनों थर्मल इक्वेरियम पर होंगे so we can say that temperature of A is equal to temperature of B is equal to temperature of C. These all three systems are in equilibrium. ये तीन के तीन निकाय एक समानता के साथ एक दूसरे के साथ संलग्न रहेंगे. Phase exchange and phase diagram. हमें मालूम है कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठोस द्रव और गैस द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड इट्स फेजिज थर्मोडाइनमिक्स पे हम तीन के तीन जो मैटर के टाइप्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस उन्हें फेज कहते हैं या पथ कहते हैं और द थ्री फेजेज ऑफ मैटर बाई ड्रॉइंग ए प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम जब हम प्रेशर और टेम्परेचर दाप और ताप के मध्य एक ग्राफ अवलोकित करते हैं उसे फेज डायग्राम कहा जाता है लाइक दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर इंडिकेटर डायग्राम पे हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे एन वी के बीच में बट फेज डायग्राम के लिए पी और टी इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंग्राम वाई कोर्डिनेट रिप्रेजेंट प्रेशर वाई एक्सिस पर हम प्रेसर को ले रहे हैं दाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं आपको मालूम है कि हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड ठोस को द्रव में बदला जा सकता है लिक्विड टू गैस द्रव को गैस में बदला जा सकता है और सॉलिड टू गैस सॉलिड को ठोस को सीधे गैस में हम परिवर्तित कर सकते हैं इसमें केवल टेम्परेचर और प्रेशर दाब और ताप दोनों निर्भर करते हैं या तो हम ताप की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू को इनक्रीज कर दें और प्रेशर की वैल्यू को इनक्रीज या डिक्रीज दोनों में से हम कुछ कर सकते हैं जैसे पहला देखें सी एक वाटर है वाटर को हम इस स्टेज से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर कन्वर्ट करेंगे तो अगर कोई आइस क्यूब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड दिस इज़ नॉन एज योर मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो रही आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगी सो डी टू सी जो ये लाइन है ये हमारी आइस लाइन कहलाती है सेकंड लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज किया तापमान का जो मान है उसको इंक्रीज करने पे पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है उबलना स्टार्ट हो जाता है सो ए टू बी इज यूअर स्टीम लाइन जो भाप की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के लिए और अगर पॉइंट की बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सो दिस वन इज यूअर बॉइलिंग पॉइंट दिस वन इज मेल्टिंग थर्ड वन वन सॉलिड कन्वर्टेड टू गैस सॉलिड ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रही तो इस पॉइंट को सबलिमेशन पॉइंट कहते हैं एंड द लाइन रिप्रजेंटेड बाई ई टू एफ इज यूर हॉर्फ्रॉस्ट लाइन सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म पर ट्रांसफर होगा नहीं इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो नेथलिन जो कपूर की गोलियाँ होती हैं वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्टेड हो जाती है वेन यू एक्सटेंडेड दीज पॉइंट्स सी से अगर हम एक्सटेंड करें इस डॉटेड लाइन के थ्रू और ए से लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और ई e से अगर एक्सटेंड करें तो ये तीन के तीन इस पी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं। एक दूसरे को इंटर inter, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट ट्रिपल पॉइंट ये ट्रिपल पॉइंट त्रियक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है यह पॉइंट वो पॉइंट है जो बताता है कि इस एक पॉइंट से अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ़ ए सिस्टम आंतरिक ऊर्जा अभी आपने देखा था कि सॉलिड जो आइस क्यूब्स हैं, वो लिक्विड पे जब कन्वर्ट होती है और या लिक्विड सॉलिड आइस क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है जो वाटर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है जो हीट है वो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सो स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी आइस क्यूब ने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी हुई थी जिसे रिलीज करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक फॉर्म मीन्स आइस क्यूब से वाटर पर कन्वर्ट हो गया था इंटरनल एनर्जी दो टाइप की होती हैं पहली काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गतिक ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिजी ऊर्जा काइनेटिक ड्यू टू द मोशन हमें मालूम है कि कोई भी मैटर एटम से मिलके बना हुआ है और मैटर के अंदर जो एटम है वो इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं और जब उन्हें हम टेम्परेचर इनक्रीज करके देते हैं तो उन पे एक मोशन रैंडम मोशन जनरेट हो जाता है सो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दियर रैंडम मोशन जो मोशन हो रहा है एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी स्थिति जुड़ जाए उसकी स्थिति के कारण पोजिशन के कारण द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंट्रैक्शन अमंग दैन जो भी उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेस्ट पोजिशन पर इनिशियली वो रेस्ट पोजिशन पर होते हैं टिल एनी एक्सटर्नल एटम कोलाइड विद दैट ऑटम जब तक कि कोई दूसरा अणु उसके साथ कोलाइड न हो जाए वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऊष्मा गति का पहला नियम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इन फैक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें जो एनर्जी है उसमा है वो कंजर्व रहेगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर ए थर्मोडाइनमिक्स सिस्टम इट स्टेट दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा ड्यूरिंग ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस किसी ऊष्मा गति की निकाय में इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट जो ऊष्मा दी जा रही है एंड द वर्क डन ऑन इट वर्क डन ऑन इट जो हमने पी वी डाइग्राम कैलकुलेट किया था पी वर्सेज वी जो एरिया कवर किया था वो वर्क डन बताता है सो वी कैन से दैट इन द थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स द हीट एंड द वर्क डन ई गिव्स यू द इंटरनल एनर्जी ऊष्मा और जो कार्य है इन दोनों का योग हमें आंतरिक ऊर्जा को देता है सो एकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो परिभाषा के अनुसार यदि इंटरनल एनर्जी डी यू ऊष्मा को हम U से रिप्रेजेंट कर लें एंड हीट डेल वर्क डन डेल W लेकिन डेफिनेशन पर हमने कहा है कि जो वर्क डन है उनके सम के इक्वल लेकिन जो वर्क डन किसी सिस्टम के थ्रू किया जाता है बाय द सिस्टम इट बिकम्स नेगेटिव एंड जब ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू अब यहाँ पर कोई है कि जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस डेल क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर हीट गिवन हो रही है आउट हो रही है तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है वर्कडन बाई द सिस्टम निगेटिव ऑन द सिस्टम पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका मान पॉजिटिव होगा अदरवाइज निगेटिव होगा तो जब भी हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस पे हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं कि सिस्टम पे काम किया जा रहा है या सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ हम वडन को बताते हैं लेकिन पूरा वगडन ये नहीं बता पाता किसी भी प्रोसेस में कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो कंजर्व रह पाती है या नहीं रह पाती इसलिए जो फर्स्ट लॉ है वो फेल हो गया था सेकेंड लॉ में भी हमें यह नहीं मालूम चलता कि हम जब कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है या नहीं होता है जैसे जो एनर्जी है ये अगर कोई एक ह्यूमन है तो इसने अगर फूड इनटेक किया हुआ है खाना अगर खाया हुआ है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और कुछ एनर्जी वगडन करने पे रिमेनिंग रहेगी तो जो भी फूड लिया था जो भी खाना खाया उससे मिलने वाली एनर्जी इन दोनों के समय के इक्वल नहीं हो पाती तो इसलिए जो सेकेंड लॉ है इसके अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए रिजर्वर एंड ए फिक्स टेम्परेचर एंड कन्वर्ट होल ऑफ इट इन टू वर्क तो ये जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई मैकेनिकल वर्क करें तो वर्क से मिलने वाली जो हीट है वो टोटल चेंज हो जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पर इसलिए सेकेंड लॉ ये कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर फिक्स किया जाएगा तो वर्क डन हीट के बराबर नहीं होगा कार्नोट साइकिल हीट इंजन के बारे पे सेकेंड लॉ का जो एक्सटेंशन है इसको समझाने के लिए हीट इंजन के प्रिंसिपल को हम कार्नोट साइकिल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं इन दिस ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट इन टू वर्क जिसे ऊषमा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है दिस इज नॉन एज हीट इंजन और हम ये मान के चलते हैं कि हीट इंजन पर जो वर्कडन है वो कम्प्लीटली एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पर कोई एक सिस्टम है जिस पर दो सिस्टम रिजर्वर हैं एक हॉट बॉडी एक कोल्ड पे, एक को उच्च तापमान पर रखा गया और दूसरे को निम्न तापमान पर रखा गया इन दोनों के बीच में एक पिस्टन लगाया गया जो फ्रिक्सनस लेस है जिस पर घर्षण नहीं होता इस पिस्टन को जब भी हम ऊपर या नीचे की ओर को मूव कराएंगे तो ये अपनी बाउंड्री के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा घर्षण नहीं करेगा सिंक जब भी एनर्जी जो रिलीज होगी जिसके हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी पिस्टन का जब लेवल डाउनवर्ड्स किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है व्हेन दिस पिस्टन गोज टू अपवर्ड्स जब ऊपर की ओर को जाएगा तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी सपोज अगर पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाए सो दिस कंटेन मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड प्रेशर इज डिक्रीज सो वी कैन से दैट व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर इज डिक्रीज एंड व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीज प्रेशर इज इंक्रीज आज के सेशन पर हमने थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जीरो लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट साइकिल नेक्स्ट सेशन पर हम इससे आगे बात करेंगे थैंक यू